कामाख्या टेम्पल आसाम में जो काले जादू का गढ़ है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है ऊपर लिंक दिखाई दे रही है आप चाहे तो देख सकते हैं उस कामाख्या देवी का मंदिर भी यहीं है यहाँ पर रावण की भी मंदिर है वो रावण जिसकी लंका को हनुमान ने जलाया था उस रावण की मंदिर भी यहीं है यहाँ पर रावण की वो प्रतिमा है जिसमें रावण के नौ सर हैं और दसवां सर उसके हाथ में है उन्होंने चोर की चपट की की टोने के जादू की गिटोनी की बाबा हैदर के चक्कर मारी चक्कर मारी बाबा हैदर के चक्कर मारी बाग बगोला आंखों में नींद पाओ में खर के काटे रसोल्हम बिस्मिल वबरक़ा नाजिन महिनली आप सबको खुश आमजीद कहता हूँ कर्नाटका के कोला डिस्ट्रिक्ट मुलबागल सिटी से मुगल मुलबागल सिटी जो है वो एक हिस्टोरिकल सिटी है यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं और बहुत सारे एक्साइटेड वाकयात से जुड़े हुए मोनमेंट्स हैं सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है यहाँ पर एक हनुमान का मंदिर है जो तकरीबन साढ़े चार हज़ार साल पुराना है जिसे कहा जाता है कि इसको अर्जुन ने बनाया था और उस होलोग्राम को इसने अपने रथ के फ्लैग पर यूटिलाइज़ किया था इस होलोग्राम को दो लोगों ने अपने रथ के झंडे के ऊपर लगाया था एक थे अकबर बादशाह और दूसरे थे अर्जुन उस हनुमान की प्रतिमा इसी मुलबागल में है कहा जाता है ये हनुमान का गढ़ है मुलबागल इसमें एक अजीब रोल क्या है कि यहाँ पर रावण की भी मंदिर है वो रावण जिसकी लंका को हनुमान ने जलाया था उस रावण की मंदिर भी यही है यहाँ पर रावण की वो प्रतिमा है जिसमें रावण के नौ सर हैं और दसवां सर उसके हाथ में है ये सर उसने उस वक्त में निकाला था जब ये शिव की प्रथा प्रार्थना कर रहा था और शिव को अर्पित करने के लिए इसने ये अपना दसवां सर काटा था ये दो मोनूमेंट्स होंगे तीसरा कामाख्या टेम्पल आसाम में जो काले जादू का गढ़ है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है ऊपर लिंक दिखाई दे रही है आप चाहे तो देख सकते हैं उस कामख्या देवी का मंदिर भी यहीं है बात को शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ी नसीहत करना चाहूँगा कुछ बातें बताना चाहूँगा देखिए आजकल जो हम दौर में गुजर रहे हैं ये दौर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और आपको पता है कि आजकल की सिचुएशंस कैसी हैं मैं यहाँ पर कोई बात भी खुलकर नहीं कर सकूँगा बहुत सारे लिंक्स मुझे छोड़ने पड़ेंगे मैं इशारतन बात करूँगा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आजकल इंडिया के हालात सही नहीं हैं इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दूसरे बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हों क्योंकि दादा नासरिन तबले आलम बादशाह शाह खज अज़ीज़ से और उनके खुलफा उनके मिनिस्टर से बहुत गहरे मैथोलॉजिकल कनेक्शंस हैं जहाँ पर भी इन सूफ़ी सेंस के मुस्लिम्स आपको मिलेंगे वहाँ पर आपको बहुत सारे मैथोलॉजिकल कनेक्शंस भी आपको मिलेंगे एक एक मैं जो बताता जाऊँगा आपको तो आपको खुद पता चलेगा कि इसके अंदर कितने गहरे राज हैं तो मैं बस कुछ बातें इशारतन बताऊँगा आपको समझना पड़ेगा तो लेट्स स्टार्ट आज हम वो वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसको मेरे चैनल्स के बहुत सारे मेम्बर्स का बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत सारे मेंबर्स ने हाफिला अखलास के मेंबर्स ने बहुत सारे मेंबर्स ने मुझे कमेंट्स किए कॉल्स किए और व्हाट्सएप में मैसेजेस भी किए मुझे हर बार ये लोग यही पूछते थे कि आप बाबा हैजर सजर सजीज़ के बारे में कब वीडियो डालेंगे एक बात और दूसरा हैदरी कड़ा आप, आप हमको कब बताएँगे तो आज वो वक्त आया हुआ है आज मैं इसी मुकाम की जीारत के लिए आया था तो मैंने चाहा कि चलिए यहाँ पर मैं वीडियो बना लेता हूँ तकरीबा तो तीन रात से मैं सोया नहीं हूँ लेकिन ये वीडियो बहुत अहम थी इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हज़रत ना हज़रत सैदना बाबा हैदर सफदर का ये मकाम है यहाँ पर जो राइट साइड में आपको दिख रहा है गुम्बस ये गुम्बस आपके दरबार का है और लेफ़्ट साइड में ये जो एंट्रेंस दिख रहा है बाबा के दरबार के दो एंट्रेंस है दो दरवाजे हैं मैं आगे आगे आपको सारी वीडियो दिखाऊंगा आप वहाँ पर पॉइंट्स भी नोट करवाऊंगा आपसे तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो है इसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा ये मेन रोड से गली निकलती है और गली से ये सीधा इस तरफ आता है इसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा और ये है आपके दरबार का गुम्बस बाबा हैदर सफ़दर खलसल और सिलाजीज़ जे हजर सैदना तबले आलम बाशाह खलसलसजीज़ के वजीर थे हजरत सैदना तबले आलम बादशाह खलसल और सिलाजीस के चार वजीर थे अब यहाँ पर एक नुक़े का पॉइंट आ जाता है फिर कि वक्त के खुदबाफदाब वक्त के खुदबालमदार के असल में दो ही वज़ीर होते हैं तो दादा के चार वजीर कैसे हो गए दो वज़ीर जो हैं वो तिरची में मस्फन हैं एक वजीर जो हैं जो खल ख़ास थे आपके आपके चहीते थे बाबा हैदर सफदर खजल्ल और एक तंजावर में है तो आपके चार चार खलीफा चार वजीर कैसे हुए ये ऐसे होता है कि हर वक्त में दो वजीर होते हैं अगर एक वजीर का इंतकाल हो जाए तो दूसरा वजीर उसको रिप्लेस कर लेता है बाबा हैदर सफदर खजल सल्लज हजरत सैदना दादा आलम बादशाह खल्लिस के होते हुए ही पर्दा फरमा गए थे पहला संदल जो दादा बाबा का लगा था वो दादा ने ख़ुद अपने हाथों से लगाया था तो ज़ाहिर सी बात है जब एक वज़ीर चला जाएगा तो दूसरा वजीर आएगा तो इस तरह से दादा के चार वजीर थे जिनमें से बाबा हैदर सफर खलसल सलाजीज़ जो थे ये इनके बहुत चाहिए और बहुत अजीज़ थे तो आज मैं इस मोनमेंट के ऊपर इस जगह के ऊपर एक शॉर्ट ब्रीफ़ हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ देखिए जैसे कि मैंने कहा है कि बहुत सारे डीप मैथोलॉजिकल कनेक्शंस होते हैं हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते असल में मैं इस दरबार से रिलेटेड और जो बाबा थे ये अब्दुल रब्त थे वजीरों में मैंने वो वीडियो में आपको ऊपर लिंक दिखा रहा हूँ आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं रिजालुल रिजाल्गैब के मकाम और उनके अदद आप इस वीडियो को देख लें आपको ये समझ में आ जाएगा खुतबुल आफ्ताब खुतब मदार के जो दो वज़ीर होते थे उनमें से एक का नाम होता था अब्दुलरब और एक का नाम होता था मुल्क अब्दुल अब्दुलरब जो होते थे ये शिफिल आलम को कंट्रोल करते थे अब्दुल मुल्क जो होते थे वो आलवी आलम को कंट्रोल करते थे अब्दुल अब्दुलरब का अहदा जो मक़ाम जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि सिफिल आलम को संभालना आसान बात नहीं है इसीलिए अब्दुल अब्दुलरब ही अखताब का जब इंतकाल हो जाता है तो अब्दुल अब्दुलरब ही अखताब बनता है इसकी पोजीशन ऐसी होती है तो दादा के बहुत चहीते थे आप बहुत जिम्मेदारियां भी आपको दी गई थी तो दादा ने आपको क्या किया था अपने कुछ निशानियों के साथ में कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर उसकी उनको ज़रूरतें पड़ेगी तो वो लेकर के यहाँ पर आए थे और दादा और दादा के खुलफा के जितने भी आपको कनेक्शंस और इनके जो स्टोरीज़ मिलेंगे इनका मकसद हुकूमतें करना रियासतें क़ायम करना बिल्कुल नहीं था ये बिल्कुल सूफ़िया थे ख़लंदर थे मैं आपको दिखाऊंगा अंदर ये जो फिरखा है जिसकी वीडियो मैंने आपको दादा के दरबार में भी बताया था जिनके पांच जामे हैं मलामती फिरखा भी कहा जाता है उनको तो जिस तरह दादा के दरबार में ये पांच मलामती गिरोह के फिर जो जामे हैं उसी तरह बाबा के दरबार में भी उनकी जमातें हैं जलाली जामा बानवा जामा रिफाई जामा मलंग और दूसरे भी बहुत सारी आपके हिस्टोरिकल चीज़ें अंदर हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे दिखाऊंगा सारे दिखा करके मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बताऊंगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मुलबागल के बारे में सिफली आलम का कितना ख़तरनाक कि इलाक़ा है ये इसीलिए बाबा ने बाबा हज़र दादा ने बाबा हजर सफ़दर खल को यहाँ पर भेजा था क्योंकि यहाँ ये हनुमान का गढ़ भी कहा जाता है रावण की मंदिर भी यहाँ पर है कामाख्या टेम्पल भी यहाँ पर है तो ऐसे सिफली आलम के बहुत सारे ख़तरनाक ख़तरनाक चीज़ें यहाँ तो वो उन्होंने इनको दिया था उस वक्त में निशानी के तौर पर वो असल में ये वीडियो बनाने का मेन मक़सद ये था कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि सारे सिफली आलम के ऊपर अपना रोब जमाने वाला कड़ा आप हमको कब पेश करेंगे वो कड़ा असल में आकर के बाबा हैदर सफ़दर ख़र सल्लज का है बाबा का नाम जो है जिस नाम से आपको जाना जाता है वो है हैदर सफ़दर ख़र सौल्लाज़ीज़ हैदर सफदर का माने सफदर का माने होता है असल में ये आपका लखब था सफदर का माने होता है दुश्मनों की सफ़ों में दहशत पैदा कर देना दरारें पैदा कर देना जैसा हैदर करार जैसे कहते हैं ना उसी कर्रार का सेकेंड वर्ड जो है वो सफदर है तो बाबा मतलब उस मिजाज के थे इसीलिए आपको ये जो सिफली गढ़ था मलबागल इस गढ़ में आपको भेजा गया तो बाबा और दादा और दादा के सारे खुलफा का जो मिशन था वो ये जो बलाएँ मुसीबतें जिन वगैरह देव वग़ैरह जो इंसानों को जो तकलीफ़ पहुंचाती थी, थी इस मखलूक से मुकाबला करना इनको ख़त्म करना और इस जगह को इंसानों के जीने के लायक बनाना इनका यही मिशन था इनका मिशन हुकूमतें करना ये रियासतें करना ऐसा कुछ नहीं था आप इनकी पूरी तारीख़ उठाकर देख लेंगे तो ये तारीख में किसी ना किसी से मुकाबला ही किए हैं जैसे दादा के बारे में बताया जाता है बहुत सारे खबीसों को बहुत सारे राक्षसों को आपने ख़त्म किया था जिसमें से एक त्रिचिरा भी था जिसके तीन सर का जो राक्षस था उसको भी आप ही ने ख़त्म किया था इसी तरह बहुत सारे राक्षस बहुत सारे देव बहुत सारे भूतों बहुत सारे खबीसों को दादा ने ख़त्म किया था आज भी आज भी सिकली आलम के अंदर आपका लोहा चलता है दादा और दादा के खलफाओं के नामों के कई कड़े हैं जो आकर के सारे के सारे सफली आलम के ऊपर अपना रोप रखते हैं उसी तरह बाबा हैदर सफ़दर खजल सस का एक कड़ा है जो मैं इनशाला नेक्स्ट इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो के अंदर मैं आपको वो कड़ा पेश करूंगा इन साथ ही साथ मैं अंदर के भी पूरे स्ट्रक्चर की आपको वीडियो बता रहा हूँ उस वीडियो के साथ में मैं शॉर्ट हिस्ट्री भी बताता रहूँगा दूसरी जो वीडियो होगी हमारी अभी बाद में वो उस वीडियो में मैं आपको बाबा हैदर सदर खजल सल अजीज का कड़ा पेश करूँगा और कड़े की इजाज़त भी दूँगा कड़ा पेश करूँगा और कड़े की इजाज़त भी दूँगा इन ये दादा के दर का बुलंद दरवाज़ा है जो मैंने बताया था दो दरवाजे हैं उसमें से ये दरवाज़ा जो है बुलंद दरवाज़ा है जो पीछे की तरफ है इसको सेकेंड गेट माना जाता है असल में ये जो सामने आपको बोर्ड दिखा रहा है दिखाई जा रहा है ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बोर्ड है क्योंकि ये जगह जो है हज़ार साल पुरानी है इसकी वजह से ये जो जगह है ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो है ये बाबा की मस्जिद है जो बाबा के वक्त में बनाई गई थी ये बिल्कुल बाबा के दरबार के बिल्कुल सराहने लगी हुई है मतलब एक ही दीवार है दोनों की इस मस्जिद की और इस दीवार की अभी जो आपको ये इलाक़ा दिखाई जा रहा है ये बुलंद दरवाज़ा जो मैंने अभी आपको दिखाया उस बुलंद दरवाजे का पीछे का हिस्सा है इसका पीछे का हिस्सा बिल्कुल ऐसे दिखता है ये जो आपको येलो कलर के जो सुकून दिखाई दे रहे हैं ये ख़ान है जैसे मैंने बताया पाँच जामे उनमें से एक जामे की ये ख़ान है और ये जो आपको सामने हरे रंग का जो दिखाई दे रहा है ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आकर के बुलंद दरवाजे का पीछे का हिस्सा है और ये जो राइट साइड में दिखाई दे रही है ये भी एक जामा है और ये लेफ्ट साइड में कुछ दादा के खुलफा कुछ उनके मुरीदीन के मज़ारत भी मौजूद हैं ये जो लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये उनके कुछ खुलफा कुछ मुरीदीन के मज़ारात हैं ये बुलंद दरवाज़ा असल में इसके अंदर आने के बाद में जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि दरबार जो है वो रोड लेवल से थोड़ा नीचे है तो ये बुलंद दरवाज़े का बिल्कुल अंदर का हिस्सा है ये जो खानखा है ये आकर के रिफाई जामा की खान है मलामती ग्रोह का जो रिफाई जामा है उस रिफायी जामे की ख्वाख्वा है अब आते हैं हम सामने की तरफ सामने का जो मेन एंट्रेंस है बाबा के दरबार का ये वो वाला मेन एंट्रेंस है यहाँ से अक्सर और प्रेषर लोगों को यही दरवाज़ा पता भी है और यहीं से आते भी हैं यही असल में मेन एंट्रेंस माना जाता है ये जो है ये ख्वाखा है ये जलाली जामा की ख्वाखा कहा जाता है इसको ये बाबा के दरबार का अंदर का स्ट्रक्चर है जो कॉम्पाउंड अभी तक मैं दिखा रहा था इस कॉम्पाउंड के बीचों बीच में ये स्ट्रक्चर है जहाँ पर बाबा की दरबार है ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये मेन जाने का रास्ता है जो मकबरा दिखाई दे रहा है आपको सीधा सीधा ये मकबरे के बिल्कुल सामने बाबा की दरबार है लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में एक शेड जैसा बनाया हुआ है लोगों के रहने के लिए क्योंकि बाबा के दरबार में औरतें जा नहीं सकती हैं इसीलिए औरतें जो हैं वो लेफ्ट साइड के शेड में जाती हैं वहाँ से वे पैर की तरफ का दरवाज़ा है जहाँ से वो लोग ये बिल्कुल जो सामने दिखाई दे रहा है बाबा का दरवाज़ा है अंदर जाने का यहाँ पर राइट साइड में एक गद्दी है जब दादा यहाँ पर आए थे तो आप उसी जगह वही आपका मकाम था आप वहीं पर बैठे थे तो वो इस गद्दी को दादा की गद्दी कहा जाता है ये जो सामने पत्थर रखा हुआ है इस पत्थर से चढ़ करके इस गद्दी पर जाया जाता है यह है दादा की गद्दी यहाँ पर दादा आराम किए थे ये जो मैंने शेड बताया था आपको जहाँ पर मस्तूरात रहती हैं पैर वाला जो दरवाज़ा बताया था जहाँ से औरतें ज़िारत फरमाती हैं वो दरवाज़ा यही है इसी के साथ दे इजाज़त दें अगली वीडियो में इंशाल्लाह कड़े की तफसील और उसकी इजाज़त दूंगा मैं इंशाल्लाह अभी मैं कड़ा सुनाता हूँ आप सब सुन लें आपको इंतज़ार कराना मुझे अच्छा नहीं लगता उजबीन शयतानजीम बिस्मिल्लम रहीम ऐतलकुस्सी बिलखुरान तोकल बीड़ी तो रहमान हिलके हिलके हिलकी, हिलकी साथ समन सास समन की सात बाड़ी सात बाड़ी में बैठे सुलेमान पैगम्बर के दीवान हटकट मोहम्मद अली काजलफ़ार जल बानो चतर बानो चोर की चपट की जादू की टोने की अयारी तैयारी बाबा हैदर की चक्कर मारी चक्कर मारी बाबा हैदर की चक्कर मारी बाग बगोला आँखों में नींद पाओ में कील खाहर के काटे जबा में टुटे बरख ला अल्लाह महमदर रसोल्ला सल् वसलम